हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं हूँ अर्चना और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, जो भी आपके घर में फंक्शंस हो उसमें आप ये हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। गाइस, अगर आप पार्लर जाते हो तो पार्लर में आपको आपकी जो हेयर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर आपको हो सकता है आपके पास टाइम ना हो तो ये फटाफट आप ही इससे हेयर स्ट्रेटनर से हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं हेयर स्ट्रेटनर जो यूज़ करूँगी तो ये वो है, ये देख सकते हैं, फ़िलिप्स का है हेयर स्ट्रेटनर। वैसे तो गाइस मार्केट में मतलब अलग अलग ब्रांड्स के हेयर स्ट्रेटनर मिल जाएंगे, बट मुझे फ़िलिप्स का ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे हेयर स्मूथ हो जाते हैं और शाइनिंग सिल्की भी हो जाते हैं और ये हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से करता है। तो गाइस, पहले आपके हेयर स्ट्रेट करने से पहले आपके हेयर को वॉश कर लें, अच्छे वॉश करें, ऑयल वगैरह हो तो हेयर स्ट्रेट ना करें। और गाइस, ये जो हेयर स्ट्रेटनर है आपको ये किसी भी साइट पे मिल जाएगा। ये मैंने 1200 का ख़रीदा था और जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आप किसी भी अमेजोन जो भी साइट पे, और गाइस ये मैंने 1200 का लिया था, बट ये जिस भी साइट पे आप चेक करोगे तो ये डिफरेंट प्राइस में आपको दिखाएगा। हो सकता है आप मार्केट से लो तो ये आपको कम प्राइस में मिले, और अगर ऑनलाइन और भी देखें तो ये मैंने एक साल पहले ये परचेज़ किया था और हो सकता है कि आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए तो कम में मिल जाए, और बट मैंने 1200 का लिया था। तो गाइस, मैं आपको पूरा बता दूंगी कि आपको कैसे हेयर स्ट्रेट करना है घर पर। तो गाइस, आपको क्या करना है, आप पहले हेयर वॉश तो आपको करना ही है। आपको हेयर स्ट्रेट करने से पहले आपको पहले कॉम कर लेना है। पहले मैं आपको दो साइड में डिवाइड कर लेना है आपके हेयर को। पहले ये मैंने क्लीचर से साइड का किया ताकि मैं इस साइड के जो हेयर स्ट्रेट करूँ तो वो डिस्टर्ब ना करें। तो गाइस, इसमें कॉम कर लेना है। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको हेयर स्ट्रेटर से आपको डेली मतलब नहीं करना है, हफ्ते में जैसे कहीं जा रहे हैं और मंथ में 3 से 4 बार कर लें, नहीं तो आपके हेयर डैमेज हो जाएंगे अगर आप जैसे रोज़ रोज़ करते हो। तो गाइस, ये मैंने एक साइड से कॉम कर लिया। अब आपको क्या करना है, हेयर स्ट्रेट आप करते हो तो आपको कुछ भी हेयर स्प्रे वगैरह या एलोवेरा कुछ ले लेना है और उसको आपको अप्लाई कर लेना है जहाँ पे आप हेयर वो कर रहे हैं, ताकि आपके हेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ये मैंने एलोवेरा या हेयर स्प्रे आप ले लें। तो अब मैं ये फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है बट मेरे कर्ली हेयर हैं। अब गाइस, और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आप हेयर स्ट्रेट करें तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये टेम्परेचर दिया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आप इस टेम्परेचर को कर लें जितना आपको लगे। फ्रेंड्स, अगर आपके हेयर स्ट्रेटनिंग करते टाइम अगर आपके बालों से ज़्यादा धुआं निकलने लगे तो आपको बिल्कुल हटा देना है, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग फिर नहीं करना है। मेरे हेयर की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाइस, आप चाहें तो ये जो हेयर मैंने सारे लिए तो आप इनको डिवाइड करके, जैसे आप इसको, जैसे हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है आप के तो आप टू साइड इस इधर से भी डिवाइड करके आप हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। ये देख सकते हो, इस टाइप से आप हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। तो गाइस, मैंने ये इतना हेयर स्ट्रेट तो मैंने कर लिया है, तो मैं इस साइड क्लेचर लगा लूँगी क्योंकि मैंने इस साइड से मैंने कर लिया है। अब मैं ये वाले साइड्स की हेयर स्ट्रेट अच्छे से करूँगी। आप चाहें तो कॉम करते जाएं और इसके बाद हेयर स्ट्रेट करते जाएं, कॉम कर लें फिर हेयर स्ट्रेट करें।
गाइस, मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि आपको कुछ लोग होते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग पता चला रोज रोज कर लिया, उनके हेयर डैमेज हो गए। कभी मंथ में 2 बार 3 बार चलता है, बट रोज रोज आपको हेयर स्ट्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक साइड से हेयर स्ट्रेटनिंग कर ली है, मैं एक बार और कर लूँगी फिर से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले डिफरेंट दिखा देती हूँ कि कैसे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इस साइड के मेरे कर्ली हेयर हैं और इस साइड के मेरे स्ट्रेटनिंग हो चुके हैं, स्मूथ भी हो चुके हैं, सिल्की भी दिख रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद। तो गाइस, मैंने ये देखिए, इस साइड के और इस साइड के आप देख सकते हैं, इस साइड के आपको कितने रफ़ दिख रहे होंगे, इस साइड के कितने शाइनिंग दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं ये और ये। तो फ्रेंड्स, मैंने इस साइड तो मैंने कर लिया, अब मैं करूँगी दूसरी साइड से। फिर आपको उस साइड से करते टाइम आपको फिर इधर पे क्लेचर लगा लेना है और फिर आपको दूसरी साइड से हेयर स्ट्रेटनिंग करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको हेयर को टू उसमें डिवाइड कर लेती हूँ और फिर मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करूँगी। बहुत अच्छा है हेयर स्ट्रेटनर है ये, और इससे काफ़ी अच्छा है ये। आप चाहे तो इसको भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है आप उससे कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने एक साइड से तो मैंने कर लिया है, तो अब मैं उधर पे क्लेचर लगा लूँगी, फिर मैं उसके बाद ये वाला भी मैं हेयर स्ट्रेट करूँगी। आप लोगों के घर में कोई फंक्शन हो तो फटाफट हेयर स्ट्रेटनिंग कीजिए, कभी कभी क्या होता है किसी को पार्लर जाने का टाइम नहीं होता है और घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग करके आप पैसे बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने उस साइड से भी हेयर स्ट्रेट कर लिए हैं, मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं रिजल्ट। पहले कर्ली हेयर थे, अब स्ट्रेट पूरे हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया है कि मैंने हेयर स्ट्रेट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो रहे वो आपको सबसे पहले मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।